महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर शिंदे ने एक बार वादा कर लिया तो उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार कमिटमेंट करने के बाद फिर खुद की भी मैं सुनता नहीं। पिछले दो सालों के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति के ध्रुव तारे के तौर पर उभरे हैं। 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले सीएम शिंदे की गिनती महाराष्ट्र के कामयाब मुख्यमंत्रियों के तौर पर होने लगी है। पिछले दो सालों के दौरान सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र के लिए हमेशा विकास के एजेंडे को आगे रखा। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, प्रोडक्शन, आईटी, टूरिज्म, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिंदे सरकार ने फोकस किया और बीमार सेक्टर की पहचान शुरू कर दी। फिर उन पर काम शुरू किया, कई योजनाओं का खाका खींचा और उन्हें जमीन पर उतारा। मसलन मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, लड़का भाऊ योजना, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग और वजीफा, कमजोर वर्गों के लिए 3 गैस सिलेंडर, किसानों को बिजली की रियायत, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए फेलोशिप जैसे कई कार्यक्रम चलाए। परदेशी गुंतवणूक असेल, उद्योग असेल, या सगळ्यामध्ये आपलं राज्य पहिल्या नंबरला। एकनाथ शिंदे की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो जमीन पर उतरकर जनता की सेवा करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए जनता उन्हें एकनाथ की जगह लोकनाथ कहना ज्यादा पसंद करती है। हालात कोई भी हो, उनके दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। एकनाथ शिंदे मूल रूप से सतारा के रहने वाले हैं, लेकिन 70 के दशक में उनका परिवार ठाणे शिफ्ट हो गया। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात आनंद दिघे से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। फिर क्या था, फिर संकल्प और मेहनत के जरिए कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ने लगे। एकनाथ शिंदे ठाणे की पोपरी पंचम खाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने गए। 2014 में फडणवीस सरकार और 2.5 साल तक महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्होंने पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास जैसे बड़े मंत्रालय संभाले। साल 2022 में उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट से अपनी राह अलग कर ली और 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पिछले 2 सालों से भी ज्यादा वक्त से वे महाराष्ट्र की सेवा में जुटे और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अग्नि परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।